क्या योगा कर रहे हो? दोनों भी कर रहे हो क्या? अच्छा ऑलराउंड हो, अच्छी बात है। जो हमें यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था कर रहे थे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बाबा रामदेव का मंदिर है जिसमें अभी शाम को मैं यहीं रुका था और अभी आगे के लिए निकलूंगा मैं अजमेर के लिए। ठीक है, तो अभी सामान वगैरह हमने पैक कर लिया है और अभी निकलते हैं अजमेर की ओर। तो देख सकते हो हमारा सामान वगैरह पैकिंग हो गया था, हम रात को यहीं सोए थे। ज़्यादा तो मच्छर नहीं काटे लेकिन फिर भी ठीक ठाक था, ऐसी बात नहीं है। पंखा लगा हुआ था और ये मेरा सामान पड़ा है अभी तक। तो फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर बाय बाय करते हैं, फिर जा के सीधा अजमेर मिलेंगे आपसे। देखते हैं रास्ते में कुछ हुआ तो और दिखाएंगे, वरना पुष्कर घाट तो हमने रात को देख लिया था और अभी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है ना दोस्तों? हेलो दोस्तों, तो मैं सुबह पुष्कर में था और पुष्कर से वहाँ पे खड़ा था, तो वहाँ पे मतलब मेरे को लिफ्ट मिल नहीं रही थी ना, तो कुछ भैया लोग आए और उनको रोडवेज बस रुकवा के फिर मेरे को अंदर बस में चढ़ा और फिर वहाँ से अभी आया अजमेर। और अजमेर में अभी बता देते हैं हम कहाँ पे खड़े हैं। ये देख सकते हो पीछे एक पार्क है, ये देख सकते हो ये पार्क है, ये वाला लंबा वाला इसको बोलते हैं, ये वाला। अभी आपको दिखाते हैं पूरा अजमेर के अंदर, तो हम जस्ट अजमेर के अंदर ही है, बाकी आपको व्यू दिखाते हैं पार्क का, कितना शानदार बना हुआ है देख सकते हो। ये वो मीनार और एक और है टेढ़ी मीनार बनी हुई उस साइड। अभी वो पीछे एक ताजमहल है, छोटा वाला दिख रहा है ना आपको, वो वाला वो ताजमहल है। और ये भी कुछ बना हुआ अंदर, ये थोड़ा आपको पार्क का व्यू दिखा देते हैं। और ये है टेढ़ी, ये वाला ये देख सकते हो, ये बहुत शानदार बना हुआ है, इसने टेढ़ा बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है टेढ़ा है, दिख रहा है टेढ़ा बिल्कुल। दोस्तों ये देख सकते हो, ये ऐसे लग रहा है जैसे टेढ़ा है लेकिन टेढ़ा ही है मेरे हिसाब से, थोड़ा ऐसे घुमा हुआ है इस तरफ, ये देख सकते हो। लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में दिख रहा है ये बहुत टेढ़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी गिर जाएगा ये। ठीक है, ये भी कुछ बना हुआ है और ये वो मीनार, ठीक है लोहे का। और वहाँ पे है ताजमहल, तो आपको ताजमहल भी दिखाते हैं। ठीक है, देख सकते हो ये अभी हम अजमेर के पार्क में आए हुए थे, वहाँ पुष्कर से रवाना होके फिर रोडवेज बस में मेरे को लिफ्ट मिल गई थी और फिर यहाँ आ गए, तो कुछ मतलब भैया मिला था तो उसने और रोडवेज बस रुकवा के मेरे को लिफ्ट दी। ठीक है, बिना पैसों से। ये कुछ मूर्ति वगैरह लगी हुई है अंदर, थोड़ी रील वील बनाएंगे। ये देख सकते हो ये सिंबल, ये और बना हुआ है इसके अंदर, ये वाला इतना शानदार लग रहा है। ये वाली वो है मीनार, ये बहुत सुंदर लग रही है। ये वो मीनार है, ठीक है दोस्तों, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। धूप है, कितना शानदार लग रहा है। ये वो है सिंबल, स्टेचू ऑफ लिबरेटी, लिबरेटी स्टेचू ऑफ लिबरेटी, ये वाला दिख रहा है।
क्या बोलते हैं यार, शायद तो पिरामिड ही बोलते होंगे, इस पर लिखा हुआ बोर्ड पे। हाँ पिरामिड है, देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है पिरामिड। अजमेर के अंदर बना हुआ है छोटा, मतलब पार्क के अंदर ये ताजमहल। वो पार्क, ये मीनार वगैरह अभी आपको सब दिखा दिया है। ये है, ये कौन सी है, ये है रिडीमर, क्राइम द रिडीमर, ये वाली मूर्ति लगी हुई है। एच ये ऐसे झुका हुआ है, मेरे को देख रहा है, ठीक है ना गाइस, मेरे को देख रहा है झुक के या नीचे देखता है। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, और वो आपको दिखा दिया, वो भी दिखा दिया, और वो भी दिखा दिया, ठीक है, और ये भी ताजमहल दिखा दिया, ठीक है। और ये पीछे है अन्ना सागर झील, ये जो आपको दिख रही है ना पीछे, ये अन्ना सागर झील। दोस्तों ये पिरामिड वगैरह देख लिया, ताजमहल देख लिया, और अभी हम निकलते हैं बाहर इस पार्क से, ठीक है। और ये कुछ पानी वगैरह पड़ा है इसके अंदर, बाकी सब आपको दिखा दिया पार्क। ये अजमेर के अंदर बना हुआ है, पार्क का पता नहीं क्या नाम है, मैंने बाहर देखा नहीं था सही ढंग से, ठीक है। तो चलते हैं अभी बाहर, और बाहर जाके फिर देखते हैं कहीं अजमेर जयपुर जाना है अभी मेरे को, जयपुर जाके फिर मिलते हैं। अगर गया दरगाह जाएंगे तो दरगाह जाएंगे, ठीक है, उसके साथ भी एक सेल्फी ले लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से बाहर, ठीक है ना। ये कितना, हाँ इसको बोलते हैं एम्फिल टावर, इनको बोलते हैं एम्फिल टावर, ठीक है ना। कितना खतरनाक लग रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो दूर से थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा, ये अभी तक नहीं आया पूरा, अभी आ जाएगा पूरा। ये आ गया पूरा, एम्फिल टावर है ये पूरा बना हुआ, लोहे से बना हुआ है। अभी निकलते हैं पार्क से बाहर, यहाँ पे देखते हैं थोड़ी दूर। आप कुछ डांस वांस कर रहे हो क्या, या योगा कर रहे हो, डांस वांस कर रहे हो या योगा कर रहे हो, दोनों भी कर रहे हो क्या? अच्छा ऑलराउंड हो, अच्छी बात है। तो ये कुछ यहाँ पे से निकल चुके हैं और हाईवे पे आ चुके हैं, और अभी हम मांग रहे हैं लिफ्ट, अपना काम है लिफ्ट मांगे, फिर जाते हैं अभी जयपुर, फिर देखते हैं जयपुर से कहाँ तक जाते हैं अभी। तो भैया ने मेरे को अभी लिफ्ट दी है, भैया कहाँ के हो? जयपुर। जयपुर के हो, और क्या काम करते हो भैया? मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ। सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर भैया काम करते हैं, और मुझे अभी अजमेर से जयपुर के लिए लंबी लिफ्ट दी है, जो कम से कम 100 कितना होगा, 150 किलोमीटर होगा, 150 किलोमीटर की लंबी लिफ्ट मिल गई है मुझे, और अभी मिलते हैं सीधा जयपुर जाके।
काफ़ी लिफ्ट दे दी है, आराम से बैठे थे और अभी हम उतर के जाएंगे हवा में और भैया को करते बाय 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 थैंक यू। तो अभी निकलते हैं बाहर, अंदर एसी एसी वगैरह लगी हुई थी, अब बाहर जाएंगे तभी पता चलेगा बहुत। तो दोस्तों मैं जयपुर पहुंच गया था और अभी आया हूं अल्बर्टम म्यूजियम, तो ये मेरे पीछे है देख सकते हो, थोड़ा बहुत विजिट करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से आपको दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देख सकते हो आपको ये दिखा देते हैं, ये दोस्तों देख सकते हो ये अल्बर्टम ये म्यूजियम है, बाहर से इतना सुंदर लगता है देख सकते हो, देख सकते हो पंछी वगैरह सब इतना ही सब कुछ, अंदर तो जाएंगे नहीं लेट हो रहा है, बाहर से आपको दिखा देते हैं। याद रहेगी